MCQs for competitive exam, find error in sentence part 2. So आइए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है, शी पुट हर साइन इन द कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सबमिटेड इट. हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड सोचने का टाइम दिया जाएगा, तो बताना है किस पार्ट में एरर है. तो रिपीट करता हूँ, शी पुट हर साइन इन द कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सबमिटेड इट. तो कौन से पार्ट में एरर है? राइट आंसर इज ऑप्शन 2. तो यहाँ पे एरर है, साइन इन द कॉर्नर. क्यों एरर है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं. यूज़ ऑफ साइन इज इनकरेक्ट, इंस्टेड साइन की जगह पे सिग्नेचर आना चाहिए. तो फर्क क्या है, जैसे ही साइंड द लेटर, ये ठीक है. ही पुट हिज सिग्नेचर ऑन द लेटर, ये भी ठीक है. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, शी पुट हर सिग्नेचर इन द कॉर्नर. सो नेक्स्ट, द लेडी आस्क्ड मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस इन द बस. तो एदर कौन से पार्ट में है, एदर है फोर्थ पार्ट में, प्लेस इन द बस में. क्यों है ये एदर, आइए देखते हैं. अगर हम बस या ट्रेन या वैन की बात करें तो स्पेस के लिए वर्ड क्या आएगा, रूम आएगा, प्लेस नहीं आएगा. तो करेक्ट क्या हुआ, द लेडी आस्क मी इफ देयर वॉज एनी रूम इन द बस. सो नेक्स्ट, ही केम टू द फाइनल कंक्लूजन दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर. अगर कोई आंसर नहीं है तो राइट ऑप्शन 5 है. तो क्या आंसर है इसका, आइए देखते हैं. राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, ही केम टू द, यहाँ पे इस पार्ट में आंसर है द फाइनल कंक्लूजन में. क्यों है, सो लेट अस सी. फाइनल इज ए सुपरफ्लुअस वर्ड, फाइनल और कंक्लूजन जो इकट्ठे नहीं आते, क्योंकि कंक्लूजन का इटसेल्फ मतलब क्या है, रिजल्ट है. तो क्या आना चाहिए, ही केम टू द कंक्लूजन दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, फाइनल नहीं आएगा. आई होप आपको समझ आ रही है. नेक्स्ट, सपोज इफ ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू डू देन. तो क्या है इसका राइट आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन 1. क्यों इसमें एदर क्यों है, लेट अस सी. रिमूव इफ, इफ को हमने रिमूव करना है, क्योंकि इफ और सपोज इनकरेक्ट है अगर इकट्ठे यूज करें तो. आइदर यूज सपोज और यूज इफ, बट बोथ ऑफ देम शुड नॉट बी यूज टुगेदर. तो करेक्ट क्या हुआ, सपोज ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू डू देन. नेक्स्ट, आई सडनली केम अक्रॉस रोहित व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज. तो आइदर कौन से पार्ट में है, आइदर है ऑप्शन 1, किसमें, आई सडनली केम अक्रॉस. क्यों है, फिर से देखते हैं. सडनली और केम अक्रॉस कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, इकट्ठे नहीं आएंगे. करेक्ट, करेक्ट क्या होगा, आई केम अक्रॉस रोहित व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ही इज वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम. तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन इज अगेन ऑप्शन नंबर 1. क्यों, यहाँ पे वेरी की जगह पे क्या आएगा, मच आएगा. वेरी कहाँ पे आता है, बिफोर पॉजिटिव डिग्री, एंड मच कहाँ पे आता है, कंपैरेटिव डिग्री. तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन हो रहा है कि वो सीनियर है मेरे से. सो करेक्ट क्या हुआ, ही इज़ मच सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट रिस्पेक्ट हिम. अगर हमने पॉजिटिव डिग्री, जैसे गुड हो, तो फिर कहता है वेरी, ही इज़ वेरी गुड. फाइन, सीनियर कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या आएगा, मच. नेक्स्ट, आई एम टू ग्लैड टू रिसीव द ऑफर लेटर ऑफ दिस कंपनी. राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1. क्यों है ये, आइए देखते हैं. रिप्लेस टू विद वेरी, टू डिनोट्स मोर देन रिक्वायर्ड. टू कहाँ पे आएगा, अगर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव हो, जैसे टू अगली, टू बैड, टू विक्ट. यहाँ पे ग्लैड है तो पॉजिटिव है, तो आई एम वेरी ग्लैड. सो डोंट से आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू इज राइट. नेक्स्ट, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर इज फेयरली अनजस्टिफाइड. राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 है. क्यों है, फेयरली नहीं आएगा यहाँ पे, रैदर आएगा. फेयरली कहाँ पे आता है, यहाँ पे प्लेजेंट एडजेक्टिव होते हैं, रैदर कहाँ पे आता है, अनप्लेजेंट. तो यहाँ पे क्या है, अनप्लेजेंट है तो रेयरली आएगा, रैदर आएगा. शी वॉज हार्डली हिट बाई हर फादर्स डेथ. तो हार्डली हिट की जगह पे क्या आएगा, हार्ड हिट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.